हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं जहां पर भी होंगे अच्छे ही होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी दोस्तों का बादशाह भाई यूट्यूब चैनल पे। क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचाने वाली एक और वीडियो, आईपीएल 2023 का 12th T20 मुकाबला, 12वां मुकाबला आप सभी दोस्तों के सामने लेकर हाजिर हूँ, जो कि दोस्तों मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में खेला जाएगा। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के शहर दोस्तों वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा, यानी कि दोस्तों मुंबई की फैन फॉलोइंग इस ग्राउंड पर दोस्तों बहुत जोरों शोरों के साथ होंगी और मुंबई को सपोर्ट करने वाली है। तो देखने वाली बात होगी कि इस तरीके से दोस्तों मुकाबला होगा। बात करते हैं वेदर के बारे में, तो मौसम पूरी तरीके से साफ सुथरा नजर आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। वहीं अगर पिच रिपोर्ट के बारे में बात करूं तो फर्स्ट बैटिंग एवरेज 167 तथा दूसरी बैटिंग एवरेज सेकंड बैटिंग एवरेज 157 निकल कर रहा है, जबकि हाईएस्ट स्कोर इस ग्राउंड पर 235 रन और लोएस्ट स्कोर मात्र 67 रन बनाया गया, जबकि हाईएस्ट चेज 198 और लोएस्ट डिफेंडेड स्कोर 118 रन रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस ग्राउंड पर अच्छे खासे स्कोर बनते भी हैं और अच्छे खासे रिकॉर्ड टूटते भी हैं। बात करें हेड टू हेड में तो दोस्तों दोनों ही टीमें जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही हैं। बात करें मुंबई इंडियंस के प्रीवियस 5 मुकाबलों में से तो 3 मुकाबले में तो दोस्तों लॉस का मुंह देखना पड़ा, वहीं 2 मुकाबला विन करने में सफल नहीं। जबकि सीएसके के प्रीवियस 5 मैचों पर दोस्तों नजर डाला जाए तो वैक टू वैक 4 लगातार के बाद में दोस्तों एक दिन हुई है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों दोनों ही टीमें शानदार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही हैं। बात करते हैं दोस्तों पॉइंट टेबल के बारे में, तो बता दूं दोस्तों सीएसके अभी तक 2 मुकाबले खेल चुके हैं, जिसमें कि पहला मुकाबला उसे हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन दूसरे मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए देखने को मिला था। वही बात करें मुंबई इंडियंस, तो अभी तक दोस्तों मुंबई इंडियंस का एक ही मैच खेला गया और उस मुकाबले में दोस्तों मुंबई इंडियंस को हार का मुंह देखना पड़ा है। चलिए बात करते हैं दोस्तों अब कुछ की प्लेयर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं मुंबई इंडियंस के बारे में। मुंबई इंडियंस के कप्तान है रोहित शर्मा। पहले टी20 मुकाबले में इन्होंने जिस तरीके से बल्लेबाजी की, बिल्कुल निराशाजनक, क्योंकि 10 गेंदों में सिर्फ एक ही रन बनाए, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी बल्लेबाजी नहीं चली। लेकिन दूसरे टी20 मुकाबले में, आईपीएल 2023 के 12वें टी20 मुकाबले में दोस्तों इनका प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। वहीं बात करें तो दोस्तों जोफ्रा आर्चर, जो कि बहुत ही कमाल के गेंदबाज हैं, लेकिन पहले मुकाबले में दोस्तों इनका भी प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा, विकेट से खाता नहीं खुल पाया था। तो देखने वाली बात होगी क्या इस मुकाबले में इनका बेहतर प्रदर्शन देखने को मिलने वाला है या फिर नहीं। वहीं दोस्तों बात करें तो एक और खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव, जो कि हर हमेशा दोस्तों टी20 में या फिर दोस्तों आईपीएल में चर्चा में बने रहते हैं, जिनके की बदौलत इनका दुनिया में काफ़ी नाम रोशन हुआ, लेकिन ये भी दोस्तों कहीं ना कहीं निराश किए थे। तो देखने वाली बात होगी ये किस तरीके से प्रदर्शन करने वाले हैं। वहीं तिलक वर्मा ने जिस तरीके से दोस्तों मुंबई इंडियंस की तरफ से 46 गेंदों में आरसीबी के खिलाफ नॉट आउट रहते हुए 84 रनों की पारी खेली थी, तो कहीं ना कहीं दोस्तों सभी को तिलक वर्मा से एक बार फिर से अच्छी प्रदर्शन की उम्मीद है। वहीं दोस्तों बात करें तो एक और शानदार खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए आप सभी दोस्तों को देखने को मिल सकते हैं, अगर प्लेइंग 11 में इनका मौका मिला तो पीयूष चावला, जो कि दोस्तों घरेलू क्रिकेट में खेलते हैं और लेग ब्रेक गुगली गेंदबाज हैं, तो किस तरीके से इनका प्रदर्शन रहने वाला है ये तो दोस्तों समय बताएगा। वैसे कैमरन ग्रीन, जो कि कमाल के ऑलराउंडर हैं, गेंदबाजी हो या फिर बल्लेबाजी दोनों से बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन इनको प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा या फिर नहीं ये देखने वाली बात हो सकती है। बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के सीएसके के बारे में, तो सीएसके के दोस्तों कुछ की प्लेयर्स में सबसे पहला नाम निकल कर आता है एमएस धोनी। हालांकि दोस्तों की प्लेयर्स ये साबित हो सकते हैं, लेकिन की प्लेयर्स में दोस्तों इनका नाम इसलिए थोड़ा ऐसा डाउटफुल रहता है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही नीचे बॉटम ऑर्डर में बैटिंग करने के लिए आते हैं और दोस्तों बहुत कम गेंद खेलते हैं। जबकि देवन कान्वे सिंह के दोस्तों ओपनर बल्लेबाज, बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज, शानदार बल्लेबाज, जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी। वहीं दोस्तों तारीफ करने में दोस्तों शब्द कम पड़ जाएंगे ऋतुराज गायकवाड़ के, जो कि पहला टी20 मुकाबले में दोस्तों शानदार 92 रन बनाए थे, वहीं दूसरे टी20 मुकाबले में 57 रन बनाए हैं और अभी तक आईपीएल 2023 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी का नाम दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ का नाम शुमार है। बात करें मोइन अली, जो कि बात करें तो दोस्तों विकेटो से बहुत ही शानदार प्रदर्शन किए थे, जहां पर लास्ट मुकाबले में लखनऊ के खिलाफ 26 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट करने में सफल रहे, तो इन पर भी दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों मिडिल ऑर्डर की बैटिंग और गेंदबाजी दोनों पे दोस्तों अच्छी खासी प्रदर्शन की उम्मीद लगाई जा रही। वहीं बात करें तो रविंद्र जडेजा, फिर चाहे गेंदबाजी हो या फिर दोस्तों बल्लेबाजी हो, दोनों को दोस्तों संभालते हुए नजर आ सकते हैं। जबकि बेन स्टोक्स, टीम के जबरदस्त ऑलराउंडर, जिन पर दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से उम्मीद लगाई जा रही कि ये बेहतर प्रदर्शन करेंगे। वहीं बात करें तो दोस्तों एक और खिलाड़ी दीपक चहार, जो कि दोस्तों कुछ खास प्रदर्शन अभी तक नहीं कर पाए हैं, लेकिन अगर दोस्तों इनको आज एक बार फिर से मौका मिला तो कहीं ना कहीं दोस्तों इनसे अच्छी बॉलिंग की उम्मीद लगाई जा रही। वैसे आप सभी दोस्तों को क्या लगता है 12वां टी20 मुकाबला मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में कौन सी टीम विनर होगी, कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। साथ ही साथ दोस्तों बादशाह भाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा।